देखिए आज मैं आपको क्लॉक के बारे में समझाता हूँ। क्लॉक में यदि कितना की बजकर कितना मिनट हुआ, किसी जैसे 4:10 हुआ तो घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण पूछता है। ऐसा हिसाब हो तो एक फार्मूला को याद रखना है, 60h - 11m/2। 60h एच मीन्स घंटा, एम मीन्स मिनट। तो देखिए यहाँ है, यदि किसी घड़ी में 4:10 हो रहा है तो उसके घंटा तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए 60h 60 * h कितना घंटा है, 4 घंटा, 4 से गुना, -11 * मिनट 10, तो 10/2, 6 * 24, 240 -11 * 110 / 2, घटाइए 0 में 0 घटा 0, 4 में 1 घटा 3, 2 में 1 घटा 1, 130/2, 130 में 2 से भाग दीजिए 65 degree आंसर। चार बज के 10 मिनट है, छोड़ दीजिए इसको, हटाइए, 3:20 रहेगा, क्या कीजिएगा, 60 में 3 बजकर घंटा है 3, 3 से गुना कर देंगे, मिनट है 20, 11 में 20 से गुना कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा आंसर। यहाँ आपका चेंज हो जाएगा घंटा और मिनट, घंटा और मिनट दे देगा 1:30 1:30 क्या करेंगे, 60 में 1 से गुणा करेंगे, क्यों कि 1 बजकर घंटा वाला 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, मिनट 30 है तो 11 में 30 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, कीजिए 60 * 1 = 60 - 11 = 33/2, कहिए 60 में 330 घटेगा नहीं तो उसी में इसको घटा देंगे, कोई जरूरी नहीं इसमें उसको घटना, 330 में 60 घटा दीजिए, 330 में 60 घटाइए 270/2 भाग दीजिए 135 135 degree आंसर। 3:30 हुआ, माने यदि किसी घड़ी में 3:30 हुआ है तो उसके घंटा था मिनट के सुई क्या करेंगे, 60 में 3 से गुणा कर देंगे, 11 में 30 से, 60 में 30 से कीजिए, चलिए इसको घेर दीजिए, 6 * 18 = 180 - 11 = 33 330/2 देंगे, इसी में से ही घटेगा, घटा दीजिए 330 में से 180 घटेगा 150/2 भाग दीजिए 75 degree का कोण बनाएगा, दैट्स ऑल।